हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो थैंक यू सो मच कि इतना ज्यादा आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि दी आप और काजल दी बहुत अच्छे लग रहे थे। और जैसे कि थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। वैसे हमेशा मैं इस चीज के अगेंस्ट ही रहती थी कि मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी। साहिल ने जैसे उस दिन भी व्लॉग में बोला था कि हमें एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि हम हेट कमेंट्स और बैड कमेंट्स को लेकर बता सके, उनका रिप्लाई कर सके। तो मैंने सबसे पहले मना किया था कि मैं इन लोगों को शाउट आउट नहीं दूंगी और मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज वो टाइम आ गया कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि यार दोनों जैसे जो हमें अच्छे कमेंट करते हैं उनको तो देखो हम दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जो हमें बैड कमेंट्स करते हैं ना उनको भी हम दिल से प्यार करते हैं। तो ये आज मेरा प्यार जताने का तरीका है कि ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए उन बैड कमेंट्स की तरफ चलते हैं जो अपना प्यार बरसाते हैं हमें, और वो ज्यादा नहीं होते हैं। मैं इतनी लकी हूँ, मैंने ना मैं काजल से भी ऐसे डिस्कस कर रही थी। शुरू शुरू में क्या होता था, इतने सारे कमेंट्स में एक दो बैड कमेंट आता था तो मैं बोलती थी और काजल देखियो इस पे ऐसे लिख दिया किसी ने कि बकवास व्लॉग या ये, तो ये बोलती थी। और जो इतने सारे कमेंट आए हैं, और साहिल भी ऐसे समझाते थे कि इतने सारे जो इतने पॉजिटिव कमेंट आए हैं उनका क्या, मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो। तब मैं क्या किया करती थी, कमेंट जिसने भी ऐसे लिखा है उसको डिलीट करके सीधा ब्लॉग। मैंने कहा ठीक है, इन तक मेरा ब्लॉग ही नहीं पहुंचना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। लेकिन फिर वही है कि कई लोग फेक आईडी बना के भी कमेंट करते हैं, वो तो मुझे थोड़ा सा ऐसे फील इसलिए होता है क्योंकि कई बार किसी की लैंग्वेज से, किसी के कमेंट के तरीके से हम लोग समझ जाते हैं कि किसने कमेंट किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और कमेंट्स जो हैं उनका नाम तो देखो इतने वो इस लायक नहीं है कि इस वीडियो में उनको शाउट आउट दिया जाए, क्योंकि प्यार में जरूर करती हूँ बैड कमेंट वालों से, पर इतना भी नहीं करती ना कि उनको नाम उनका नाम इस पे मैं अपनी स्क्रीन पे चला दूं। तो मैंने कुछ कमेंट फिल्टर किए हैं जो बैक टू बैक आते हैं, मतलब मेरे कमेंट रेशियो में अगर मैं देखूं, अगर 500 कमेंट हैं तो 490 तक बहुत अच्छे होते हैं। बस कोई 10 कमेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कई बार मैं रीड करके डिस्टर्ब हो जाती हूँ, वो भी मैं होती हूँ। साहिल तो उस पर भी हंसते हैं और ये बोलते हैं, साहिल का डायलॉग बताती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ ना साहिल देखना इसमें किसी ने ऐसे लिख दिया, तो कहते मेंटल लोग डिलीट कर दो। मैंने क्या डिलीट भी कर दिया और मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया। तो हंसते रहते कहते फालतू टेंशन नहीं लेनी उनको, देखो जो इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो आप। तो अभी मैं कमेंट बताती हूँ जो बड़ा फनी मुझे लगा, और ये ना एक दो बार मुझे लग रहा है एक ही बंदा है जो बार बार ना आईडी बना बना के सेम कमेंट करता है, कुछ भी ना इसमें चेंजेस नहीं होते। तो शुरू करते हैं अपने बैड कमेंट्स के रिप्लाई, और इसको ज्यादा भी सीरियसली नहीं लेगा, हम लोग इसको थोड़ा फनी तरीके से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उन लोगों, मतलब ना अपनी वीडियो को नेगेटिव बनाना है ना ही नेगेटिविटी फैलानी है, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा ही लगना चाहिए। तो हम लोग क्या चाहिए आपको भी सुन, देख हमें पता है क्या बैड आपका भी बैड कॉमेंट है तो बैठ जाना यहीं पे। तो हमारा जो फर्स्ट कॉमेंट है, मतलब मैंने कुछ ही कॉमेंट लिखे हैं, ज्यादा तो मुझे नहीं आते हैं, बस ये भी धीरे धीरे अभी कम ही हो जाएंगे। तो पहला कमेंट किसी ने ऐसे, मतलब पहला तो नहीं, एक कमेंट आया था, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो मैं क्या करूं, मेरी वीडियो भी देखनी है, वीडियो पे मतलब कमेंट भी करके जाना है, और फिर ये लिख रही है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लिख रही है क्योंकि एक लड़की है। तो भाई अगर मैं नहीं पसंद हूं तो यूट्यूब पे दुनिया भर की लड़कियां हैं, वहीं जाके ना उनके व्लॉग्स देखो, उनके व्लॉग्स पे कमेंट करो, मेरे चैनल को छोड़ दो भाई, हजारों चैनलों में मेरा ही चैनल मिला है। पर थैंक यू सो मच कि यार आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके बाद आपने कंक्लूजन निकाला कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और कमेंट भी किया। तो बस इसके लिए थैंक यू ही बोलूंगी, और तो अनसब्सक्राइब कर देना यार लास्ट में ना, यही बोलूंगी आपको। अगर आप देख रहे हो दोबारा ये वीडियो, मुझे पता है वो देखेंगे, उनको देखनी भी है और कमेंट भी करना है। अगर इसी को वो थोड़ा अच्छा लिख देते क्या ही उनका चला जाता, बट थोड़े ना ऐसे लोग यहाँ से बीमार होते हैं तो इनका हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा जो एक कमेंट आया था, पैसे वाला बीएफ फसाया हुआ है। ये कमेंट ना इस लड़की ने कम से कम मेरी 10 वीडियो पे की होंगे, और मैंने साहिल को बोला कि ये किसी और की वीडियो देख के कॉमेंट यहाँ करके जाती है। मतलब पैसे वाला बीएफ कहाँ है, बीएफ साहिल को बीएफ बोल रहे हैं शायद, है ना, है ना साहिल, मुझे भी लग रहा
इसका जवाब आप दोगे या मैं ही दे दूं? नहीं, आप ही दे दो यार, मुझे मुझे पता नहीं था कि पैसे वाला बीएफ मैंने फंसाया हुआ है, क्योंकि बीएफ तो मेरा है ही नहीं, मैं तो मैरिड हूँ। मुझे लग रहा है कि इस बेचारी ने किसी और का ही ब्लॉग देख लिया था और कमेंट यहाँ कर दिया है, तो बड़ा मुझे बुरा लग रहा है इस लड़की के लिए कि गलत वीडियो देख के कहीं भी कमेंट कर रही है, कुछ भी कर रही है। और अगर भाई आप वीडियो देख रहे हो, ये वाली भी, तो मेरे जो पिछले इतने सारे ब्लॉग्स हैं ना, वो ध्यान से देखना, फिर आपको पता लगेगा कि कोई बीएफ नहीं है और कोई पैसे वाला बीएफ मैंने नहीं फंसाया है, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ। तो बस क्या ही इनको जवाब दें। तो तीसरा, ये तो साहिल, ये देखो मेरे लिए कमेंट करें चलता है, क्योंकि मेरा तो अभी देखो, अगर आप वीडियो बनाते हो ना, तो अगर इतना प्यार मिलता है तो थोड़ी बहुत हेटनेस भी मिलती है, तो इसमें मुझे ना अब फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में बहुत पड़ता था, क्योंकि कई ऐसे, एक वर्ड होता है ना साहिल, जो किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चिरांद। ये मैंने उसमें एक लापता गंज नहीं आता था, उसमें पता नहीं कोई तो बोलता था ऐसे किसी, उसमें ना तब सीखा था। तो कई ऐसे चिरांद जी टाइप लोग होते हैं, जो आपको, अगर आज आप उन्हें ब्लॉक करोगे ना, कल फिर से 10 आईडी बना के बैठेंगे और सेम कमेंट करेंगे। उनको पता है कि हमें एक ही काम है अपनी जिंदगी में, कि हमें सिर्फ और सिर्फ बैड कमेंट करना है और सामने वाले को परेशान करना है। फिर एक टाइम पे क्या होता है ना, आप इतने यूज टू हो जाते हो, आपको पता लग जाता है कि ये बंदा कौन है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आज जैसे साहिल के लिए जो कमेंट आया है, मुझे पता नहीं दिल से ऐसा लग रहा है कि ये एक ही कमेंट है और बार बार ये एक ही लाइन लिखते हैं, और ये बड़ी खुश होती है ये इसको ना लिख के, और ये एक गर्ल ही है, मतलब लिखती हैं, इससे आपको पता लग रहा है। तो इन्होंने आज साहिल को ऐसे टारगेट किया और लिखा, साहिल को नौकर बनाकर रखती है, कैसी लड़की है। यार कैसी लड़की हूँ मैं बताना, आप नॉर्मल, मेरे दो कान एक नाक दो आंख, नॉर्मल नहीं हूँ मैं साहिल, आप बताओ, नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, नॉर्मल है ना। साहिल को नौकर बनाकर रखती है, कैसी लड़की है। तो कैसे मैंने साहिल को नौकर कैसे बना के रखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये चीज तो मुझे भी नहीं समझ में आती कि ये कोई लॉजिक लगाते ही नहीं है कमेंट करने का ना। हाँ, मतलब साहिल को नौकर, मतलब अगर इसके मम्मी पापा जॉब पे जाते होंगे तो इसके मम्मी पापा इसके लिए नौकर होंगे। ओ हाँ, या मेरे मम्मी पापा नौकर है, क्योंकि मैंने वो जॉब पे जाते। इसका जवाब मैं और साहिल इसी के स्टाइल में देते हैं, मम्मी पापा को नौकर बनाकर रखती है, कैसी लड़की है, उनसे काम कराती है, खुद काम कर, सही बात है ना, कैसी लड़की है यार, कैसी लड़की है। तो एक और आया था साहिल, ये भी आपके लिए था, इसका जवाब भी आप ही देना, साहिल से सारा काम करवाती है, खुद कुछ भी नहीं करती है। हाँ, 24 घंटे साथ रहती है क्या वो? ये आपके लिए था, साहिल बोल रहे हैं कि 24 घंटे आप साथ रहते हो, जो आपको पता है कौन काम करता है कौन नहीं। और साहिल सारा काम करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि सारा काम साहिल, अगर साहिल अपना डेली रूटीन बनाए ना, तो आपको ये पता लगेगा कि साहिल भी बहुत लकी है और मैं भी बहुत लकी हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं भी हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो मानती हूँ कि आप बहुत केयरिंग हो, और उल्टा ये मुझे बोलते हैं कि आप बहुत केयरिंग तो हो, किसकी करूँ। इनका कहने का मतलब ये है, तो और क्या मैं पड़ोसी की जाकर केयर करूँ अगर मैं अपनी वाइफ की नहीं करूँगा। तो इस बात पे तो इन्होंने सुबह मुझे इतना, मेरे को ना ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जब ऐसे साहिल के लिए थोड़ी ऐसे कमेंट करनी चाहिए यार, ये इतने इनोसेंट पर्सन है। और मैं इनकी, पता है ये क्या होता है ना, जिनको घर से या जिनको अपने रिलेशन में फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, जिनको प्यार नहीं मिलता ना, वो इस टाइप के कमेंट करते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं मेरे ब्लॉग पे, क्यों कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं किसी और के साथ अच्छा देख ही नहीं सकती। तो उनको ना इग्नोर कर देना चाहिए उनकी लाइफ के साथ, कि यार तुम चिल करो। और इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, 10-15 मिनट का ब्लॉग आप लोग देखते हैं, मतलब आप लोग तो बहुत प्यारे हैं जो इतने अच्छे कमेंट करते हैं, ये एक दो उन लोगों के लिए जो थोड़े बीमार हैं। यार तुम 10-15 मिनट का ब्लॉग देखते हो, उसमें तुम ये जज कर लेते हो कौन सारा काम करता है कौन सारा काम नहीं करता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पर साहिल मेरी केयर कर रहे होते हैं ना, मैं जानकर वो ब्लॉग तब वहां बनाती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी होती है कि अभी मैं कुछ करके थकी हूं, और साहिल को ये हो जाता है कि मैं अभी फटाफट आपको शेक बना के दे देता हूं, मैं फटाफट आपके लिए ये कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो काम इतना कर रहे हैं कि अभी उनकी इतनी भी हालत नहीं है कि वो अपने लिए कुछ शेक बना के भी पी लें। तो यार मैं और मेरे हस्बैंड कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे की कैसे केयर करते हैं, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है ना। साहिल मैं आपकी नौकर हूँ और आप मेरे नौकर हो, बस हम तो खुश हैं नौकर बन के एक दूसरे के, हमें कोई तकलीफ नहीं है यार, तो आप भी तकलीफ मत लो। बाकी नेक्स्ट आया था,
कि ये भी मैंने ना तीनों आपके लिए जो थे ना ऐसे सिलेक्ट किए तीनों थे, मेरे हैं हाँ क्या? मतलब जो आपके लिए आते थे वो मैंने इकट्ठे ऐसे लिखे थे अच्छा कि पता नहीं क्यों इस लड़की के नखरे झेलता है साहिल, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, वो नखरे करेंगे तो मुझसे ही तो करेंगे। पर साहिल इसको मतलब समझना क्यों है? ये भी एक गर्ल ने कमेंट किया कि मुझे समझ नहीं आता, तो हमें समझाना क्यों है? नखरे मेरे, साहिल मेरे, झेल मेरे रहे, तुम्हें मतलब तकलीफ कहाँ हो रही है? उन्हीं की रिप्लाई कर रहे हो? मतलब मुझे, मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे सोचने पे मजबूर कर दिया इस कमेंट ने कि कह रही है मुझे समझ नहीं आता। या तो भाई ऐसा कुछ है कि साहिल परेशान हो रहे हैं मुझसे, या मेरे नखरे नहीं है वो, मेरा नेचर ऐसा है और साहिल को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो वो मैं 2400 घंटे पूरी जिंदगी साहिल के साथ ऐसे ही नखरे करने वाली हूँ, क्योंकि भाई इनको नखरे वाली वाइफ चाहिए थी और मुझे ऐसे ही हस्बैंड मनाने वाले चाहिए थे, और इन्हें मुझे मनाना पड़ता नहीं क्योंकि हम लोगों की कभी कुछ ऐसी फाइट या बहस होती नहीं है। तो भाई मैं नखरे वाली हूँ, कल एक इसी पे वीडियो बनाऊंगी नखरे वाली। हाँ ये तो नया टॉपिक दे दिया इन्होंने। एक और था कि अरे आप इंडिपेंडेंट बनो, ये तो काजल तेरी वजह से आया था, कल हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे थे। अब बताओ या मैं बताऊंगी नहीं आप अच्छे से? बताओ। ठीक है यार, मैं ना मुझे लगता है कि जिसने ये कमेंट किया है उसने मुझे बोला आप इंडिपेंडेंट बनो, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैंने अपनी ही मतलब मैं अर्निंग से मैंने ये घर लिया है, अपनी ही अर्निंग से मैंने अपनी पहली गाड़ी ली है, अपनी ही अर्निंग से मैं मतलब अपना वर्ल्ड टूर जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं 8-9 कंट्रीज घूम चुकी हूँ अपनी अर्निंग से, ना मैंने साहिल से हेल्प लिया, ना इन लॉज से लिया, ना अपनी फैमिली से लिया। तो मतलब अपनी अर्निंग से मैं अभी अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती, पर मैं इंडिपेंडेंट नहीं। नहीं आप एक बोर्ड लेके घूमा करो पर मैं उसे लिख दो। पर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ यार। शिट। अब मुझे ना प्लीज यार, जिसने मेरे को बोला आप इंडिपेंडेंट बनो, तो मुझे ये बताना कि और क्या करूँ, हाँ एक टू डू लिस्ट बना के दो मेरे को और क्या करूँ, है ना यार? थैंक यू कि आपने मुझे बताया कि अभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे बनना पड़ेगा अभी भी। तो नेक्स्ट की नकली, ये तो नकली है, लगाकर लोगों को पागल बनाती है। सैड यार, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी। वीडियोस भी छोड़ो, प्रैक्टिकली मतलब 9-10 साल तो आप ही साथ हो साहिल, 10 साल से कैसे मेंटेन किया मैंने अपनी नकली हेयर बता दो एक बार। मुझे तो पता नहीं चल रहा बंदे कमेंट क्या देख के क्या सोच के करते हैं, किस तो सेंस में करते हैं। मेरी जो हेयर लेंथ है ना साहिल को कटवानी पड़ जाती है कई बार, क्योंकि आज मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। इतने टाइम से मैं इतना ये सब बोलती हूँ ना कि शूट पे मेरे को दिक्कत होती है या ये होता है, मेन रीजन है कि जब मेरे बहुत लॉन्ग हेयर हो जाते हैं तो जब मैं ओपन करती हूँ ना, मेरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फीवर होता है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा, नानी, दादी मतलब सबको यही बोलते थे कि तुझे बहुत नजर लगती है, और मुझे नहीं मतलब मेरे बालों को, क्योंकि वो इतने सुंदर लगते हैं, इतने लॉन्ग है। और आपको भी पता है कि अगर कोई मेरी वीडियो आप देख लोगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो सेकंड कमेंट यही होता है कि दी अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में बताओ, हमें टिप्स दो, इतने लॉन्ग हेयर कैसे हुए। तो मैंने आपको बताया था मेरी मम्मा के भी हैं, काजल के भी हैं, मेरे भी हैं, मेरी नानी, मासी, मासी की बेटी, मतलब हम लोगों के हैं। तो मतलब हम सारे ना बस फिर मिल गया गाइस आप लोगों को जवाब कि मेरे लॉन्ग हेयर कैसे हैं, नकली हेयर लगाते हैं हम सारे, तो आप भी लगा लो लॉन्ग हेयर हो जाएंगे। पर ये वाला कमेंट ना बहुत ज्यादा, इस लड़की ने ना कम से कम बहुत सारे वीडियोस पे यही लिखा था कि नकली हेयर बना के पागल बनाती है लोगों को, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं यार कि मैं लकी हूँ थोड़ी, मेरे को नकली बाल लगाने की अभी तक नीड पड़ी नहीं है, और मैं इतने सालों तक इतने लॉन्ग हेयर मेंटेन कर रही हूँ, तो कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा कि उसको दिखाई भी नहीं देता है कि अगर वो मुझे फॉलो भी कर रही है, मेरे वीडियोस भी देख रही है, तब भी वो ये कमेंट कर देती है। इसके बाद साहिल सारा पैसा कपड़ों में वेस्ट करती है, कुछ और काम नहीं है। ये तो बिल्कुल एक क्या बोलूं इसको, स्पीचलेस हो गया भाई। इसका जवाब हम देना पसंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट की तुम मोटी हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम बकवास लगती हो। अरे यार इस लड़की ने इतना अप्रिशिएट तो आप कर दिया देखते मुझे। क्यों हो? साहिल मैं मोटी हूँ, हाँ थैंक यू, मैं उसको बकवास भी लग रही हूँ, थैंक यू, पर फिर वो देख ही क्यों रही है? सही बात है, मत तो देख रही है, मतलब एक तरीके से वो हमें देखना हाँ, पसंद भी कर रही है। चलो अच्छा है, पूरी वीडियो देख रही हो और फिर उसके बाद मुझे कमेंट भी कर रही हो। यार मत करो कमेंट, मत देखो मुझे अगर मैं मोटी लग रही हूँ तो, पर मैं खुश होगी अगर मैं मोटी लग रही हूँ, क्योंकि जिसको अगर मैं मेरे को कोई अगर पसंद नहीं है ना तो मैं उसको देखता ही नहीं हूँ। हाँ
हम तो ऐसे ही करते हैं यार, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वीडियो देख के बोल दूं अरे यार ये मैं तो पसंद ही नहीं आई, चलो कमेंट करते हैं इसको बोलते हैं और कमेंट भी कर दूं उस पे। जो आपको पसंद नहीं होता है आप सीधा उसको इग्नोर करो ना, मतलब छोड़ दो, उसकी प्रोफाइल पे भी मत जाओ, उसकी वीडियो भी मत देखो, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना भी और मेरा भी, है ना। नहीं करते हैं, मत करना आगे से, मतलब वीडियो मत देखना, कमेंट तो तब करोगे। और वैसे भी जितने लोगों ने कमेंट किए थे ना वो सब ब्लॉक हो चुके हैं साथ साथ, वो नई आईडी भी बना देते हैं। हाँ। मैंने ये भी देखा है। इसके बाद है, तुम कितनी एक्टिंग करती हो, बकवास व्लॉग बनाती हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, सब्सक्राइब भी नहीं करती हूँ। फिर हमें देखती क्यों हूँ? मैं एक्टिंग करती हूँ। चलो जी, मुझे तो लगता था मुझे एक्टिंग आती नहीं है, अगर मुझे एक्टिंग आती तो शायद मैं आज मूवीज में काम कर रही होती, लेकिन मैं जो हूँ वो रियल ऐसी हूँ। अब मैं ऐसी ही मतलब बातें करती हूँ, मुझे मैं थोड़ी नौटंकी टाइप हूँ, ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे। और साहिल को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना जो एक किड है ना, साहिल बोलते हैं उसको कभी मरने मत देना, तो मैं कभी भी मैच्योर वाली एक्टिंग नहीं कर सकती, तो मैं ऐसी ही हूँ। और मैं बकवास व्लॉग बनाती हूँ गाइस, इसको ना समझा देना कल कमेंट में कि ये व्लॉग कैसे बनाती हैं, मतलब बता देना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कितना एटीट्यूड है। चलो फिर इसे इग्नोर करते हैं। कितना ज्यादा शो ऑफ करती है हमेशा अपनी चीजों का। इन साहिल ये नेल्स कैसे लग रहे हैं? देखना साहिल खड़े कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, मैंने लंदन से मंगवाए हैं। साहिल ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ जी, मैंने पेरिस से मंगवाई है, वैसे पेरिस में ही मिलती नहीं होगी गाइस, समझ जाना है कि इसका मैं रिप्लाई कैसे करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कभी ऐसे शो ऑफ नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है गाइस, हम इसको और नहीं बड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर आप बैड कॉमेंट करते हो तो हम पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्यार करने वाले इतने हैं, तो इसलिए आप लोगों पे ध्यान नहीं जाता। पर फिर भी नाम वाम तो बताया ही नहीं है, तो सोच लो कितना ध्यान नहीं जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। बस ये लास्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसने पता है साहिल गूफी के लिए लिखा है और बहुत गलत लिखा है। ये कुत्ता कितना नुकसान करता है, कुछ अकल नहीं है क्या, इसको बांध कर रखा करो। इसके लिए तो इससे मिली लो, इस कमेंट वाले से ना। मैंने ना इसका रिप्लाई इसी के स्टाइल में देती हूँ, अभी तक बड़े तमीज से बात की थी, क्योंकि देखो वूफी अभी चल रहा है बीमार, और आज भी ये गया था डॉक्टर के पास, वो आपने स्टार्टिंग में देखा ही था। और खुशखबरी की आज इसका 800 ग्राम्स जो वेट है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये अभी है अपना प्रोग्रेसिंग पे कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलती हूँ, तो वूफी का उन्होंने बताया कि 2 मंथ्स लगेंगे ये ठीक हो जाएगा, पर 2 मंथ्स तक कंटिन्यू दवाइयां चलेंगी। तो इसका जवाब मैं इसको देना चाहूंगी, एक बात बताओ, पहली बात ये जो भी नुकसान करता है कुछ भी करता है उसके घर में कर नहीं रहा है, इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, क्या पता उससे डबल अच्छी लाइफ जी रहा हो ये, इसलिए उसको चिढ़ हो रही है इससे। देखो साहिल थोड़े इसके मामले में गुस्सा आ जाता है उनको, तो ये इस टाइप की ना बातें करते हैं और ना ऐसे एंटरटेन करते हैं किसी को, कोई ये टॉपिक भी चल रहा होता है। बट इसका जवाब ना साहिल बस इतने से वर्ड्स में इसको देते हैं, अभी तक जैसे हम सबसे प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन इसने वूफी को कुत्ता बोला है। सही में तुझे अकल नहीं है, अपना मुंह बंद रखा अगर ऐसे कमेंट कर रही है, उसको बेचारे को बच्चे को कुत्ता बोल रही है, कुछ भी लिख रही है, और भाई नुकसान कर रहा है हमारा, कर रहा है, हम तो खुश है, हम तो चाहते हैं नुकसान करे, मैं तो कह रहा हूं डबल करे। तो ये फालतू के जो बैड कमेंट्स आते हैं, कई लोग ना एक बार एक फेक आईडी बनी थी, जिससे वो फेक आईडी ही थी, वो कंफर्म हो गया था, हमने चेक करवाया था, उससे मुझे और काजल को सेम कमेंट आते थे सेम टाइमिंग पे, तो उसपे तो मुझे बहुत हंसी आती है, उसका रिप्लाई भी हमने बहुत अच्छा किया था ना, उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा ही दिया था हमने ब्लॉग बना के, तो उस दिन से आज तक तो बैड कमेंट आया नहीं है, स्पेशली उस वाली लैंग्वेज में भी और उस तरीके से भी, ना काजल को आया ना मुझे आया। और गाइस मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जो ये बैड कमेंट करते हैं, लव यू सो मच, जितने लोग भी हम लोगों को इतने अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने कमेंट्स पे इसलिए फोकस किया है कि एक कमेंट ही ऐसी पॉजिटिविटी मुझे देता है जिससे कि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए ना काबिल हो जाती हूँ। तो बस मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और बाकी कुछ अगर मेरे जो रिप्लाई हैं वो अच्छे नहीं लगे हों या अच्छे लगे हों तो वो भी बता देना। बाकी जो मैंने कहा है ना कमेंट करने के लिए कि मैं ब्लॉग जो है बकवास, तुम अपने आप ही हैंडल कर लिया करो,
आप लोगों पे छोड़ दिया यार, जहां दिखे ना ये इसने एक कमेंट किया है, मैं कोशिश करूंगी कि उस पे रिप्लाई करूं और फिर आप लोग बस आ जाना उस पे, छोड़ेंगे नहीं उसको, वो नेक्स्ट टाइम सोचेगा 100 बार मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए। तो बस आज का व्लॉग कुछ ऐसे ही था, अगर ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलती हूं आपको कल के व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।